देखा आप, बल्कि बेटे थोड़ा सा ना टेढ़ा कर लो उसको, क्योंकि आप ही अकेले हो। नहीं, थोड़ा सा इस बार। अच्छा, चलिए करंट अफेयर्स की क्लास मैंने दिसंबर में ली थी, उसके बाद फिर कोई और हुई हुई है बीच में? हाँ, करण ने करण अच्छा अच्छा दो स्टूडेंट अच्छा है ना। चलिए देखिए, ऐसा है कि हमारा जो ये क्लास है वो करंट अफेयर्स से संबंधित है, और इसमें हम लोग जो है वो ऐसे इश्यूज को लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वक्त लोग काफी जिनकी चर्चा में है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो है वो दिसंबर में जब आखिरी क्लास हुई थी, उसके बाद ये जनवरी और ये फरवरी, यानी हम 2023 की हम बात करते हैं, और इसमें जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा करंट इश्यू है जिसके ऊपर हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए, वो है पाकिस्तान का मसला। पाकिस्तान में जो इस समय हालात हैं, जो वहां पर जो गतिविधियां चल रही हैं, वो बहुत ही चिंताजनक है, और वो कोई एक दो दिन की उपज नहीं है, बल्कि वो एक बहुत लंबी का सोच है, जो पॉलिसीज हैं, जो उनका मैंने क्या नाम है एटीट्यूड है, वो सब से उनका वो रिजल्ट है। तो मैं एक तो भारत और पाकिस्तान, उसमें भारत का क्या क्या नाम है भूमिका हो सकती है, या रोल है, या हमारा जो है वो क्या हमारा दृष्टिकोण है, ये इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है बेटे कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से बना, भारत का ही हिस्सा था, भारत से ही उसका जो है निर्माण हुआ, और वो 1947 में जिस तरह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और उससे पहले जिस तरह से धर्म के आधार पर जो अब बने के नाम किसी देश के निर्माण की जिस तरह से मांग की गई, जैसे मुस्लिम लीग है, मोहम्मद अली जिन्ना है, और बहुत सारे उस वक्त के नेता थे, इन्होंने इस तरह की मैंने क्या नाम डिमांड्स रखी, और वो जिस तरह से भारत में सांप्रदायिक हिंसा हुई, तनाव हुआ, और बहुत सारी अफसोसजनक घटनाएं हुई, उन सबका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने के साथ साथ एक फैसला ये भी किया कि भारत का विभाजन कर दिया जाए, भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया, और दो न केवल हिस्से हुए, बल्कि दो अलग अलग हिस्से जो है वो भारत के लिए गए। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया उस समय, और एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया जो अब बांग्लादेश के रूप में जाना है। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी पाकिस्तान में, जिसे अब पाकिस्तान ही कहते हैं क्योंकि अब तो एक ही बचा है। तो पश्चिमी, जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जब से बना है तभी से लेकर उनकी जो है वो एक बड़ी भारी साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, और वो हमेशा कभी भी एक बात को ये कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि जो उन्हें मिला उस और जिस तरीके से जो उनकी डिमांड थी, अगर उसके हिसाब से वो सब पूरी हो गई तो फिर उसके बाद संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो संतुष्टि कभी नहीं है, क्योंकि जिस जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो उन्होंने जो व्यवस्था की थी उसमें भारत और पाकिस्तान ही नहीं बने, बल्कि भारत के बहुत सारे जो है वो देसी रियासतें थी, और उन रियासतों को भी अंग्रेजों ने ये मौका दिया कि वो चाहें तो वो भारत के साथ रहें, चाहें तो वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और चाहें तो उस वक्त रहें। ये और 500 से ज्यादा ऐसे ही मामले थे जो अंग्रेज भारत में छोड़ के गए, क्योंकि एक बड़ी बहुत ही विकट समस्या थी। वो तो एक बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हमारे उस वक्त जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता से और बहुत ही कहने क्या नाम है तरीके से समस्या को निपटाया, और ज्यादातर देशी रियासतों को उन्होंने ये संदेश दिया कि उन्हें स्वतंत्र रहने वाला कोई बात जो अंग्रेजों ने लेकिन क्लॉज दिया है, वो मौका दिया है, वो ये संभव नहीं है,
वो चाहे तो पाकिस्तान चले जाए, चाहे हिंदुस्तान चले जाए। अब इसमें हुआ क्या कि तीन रियासतें ऐसी थी जिनमें मामला अटक गया है। एक जम्मू कश्मीर, जहां पर कि वहां की जनता ज्यादातर मुस्लिम थी लेकिन वहां का राजा हिंदू। दूसरा हैदराबाद, जहां की जनता ज्यादातर मेजोरिटी हिंदुओं की थी लेकिन उनका राजा जो था मुसलमान था, क्या नाम है, निजाम। और तीसरा एक जूनागढ़ का मामला था, जूनागढ़ गुजरात में एक स्टेट हुआ करती थी और क्या नाम है ये पाकिस्तान के जो इस वक्त जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं तो उनके जो नाना थे, उनके फादर वो भी जूनागढ़ स्टेट के वहाँ के राजा के वजीर हुआ करते थे समाज। तो इन तीनों ने डिसाइड नहीं किया और महाराजा हरि सिंह उस वक्त जम्मू कश्मीर के मैंने क्या नाम है शासक थे। और क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक बॉर्डर स्टेट था जो पाकिस्तान से भी जिसकी सीमाएं लगती थी और भारत से भी सीमाएं लगती थी, इसलिए पाकिस्तान को ही मौका मिला वहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी और उन्हें लगा कि वो लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान नहीं मिल जाए। तो ये जो समस्या है ये वहां से शुरू होती है। और उसमें सबसे बड़ा रोल ये रहा कि जम्मू कश्मीर के राजा ने बहुत जल्दी नहीं की डिसाइड करने में, उन्हें किधर जाना, वो यही सोचते रहे कि हो सकता है कि हम स्वतंत्र एक देश अपना जो है वो यहाँ पर अस्तित्व अपना कायम कर रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान ने 1947 में ही जब आजाद हुआ है भारत, उसके बाद अक्टूबर 1947 से ही उन्होंने जो है वहां पर अपनी गतिविधियां कश्मीर में तेज कर दी। और वहां पर उन्होंने किया ये कि जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको कबायलियों की भेज दी और ये कह दी कि ये पाकिस्तान की सेना नहीं, कबायली है, जो जो कबीले हैं उनके जो लोग हैं ये उन लोगों ने किया है, उनको कश्मीर में भेजा और उन्होंने जो है वहां पर आक्रमण किया। और जब ये मामला ज्यादा बढ़ गया और कश्मीर में जो है वो काफी दूर तक क्या नाम है कबायली पाकिस्तान से कबायली पहुंच गए, तब उस वक्त जो है महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मांग की कि हमें जो है वो मदद की जाए। और उस वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, आपको आपने को तो निर्णय नहीं किया कि आप किधर जाना है आपको। तब ऐसी परिस्थिति में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ विलय पत्र पर तैयार किया गया और उस पर महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और विधिवत रूप से जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना। और उसके बाद भारत ने अपनी सेनाएं वहां भेजी और उसके बाद फिर वहां पर युद्ध विराम हुआ और वो स्थिति आई जो आज भी है, आज भी नियंत्रण रेखा है, आज भी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा दर्द यही है कि इतना सब लेने के बावजूद भी उन्हें श्रीनगर कश्मीर की जो घाटी है, श्रीनगर घाटी का जो एरिया वो नहीं हो पाया, क्योंकि कश्मीर में सबसे बढ़िया एरिया वही और उसी को लेकर सारा का सारा ये मारामारी है। आज भी जम्मू कश्मीर के तीन हिस्से हैं, बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख से अलग कर दिया गया है, लेकिन उस जमाने में लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। तो उसमें कश्मीर श्रीनगर वैली है, कश्मीर है, उसके अलावा जो है वो एक जम्मू का रीजन है। तो इसमें से तीनों में से जो है वो लद्दाख का बुद्धिस्ट रहते हैं, वहाँ पर मुस्लिम नहीं है इतने। इसी तरीके से जो जम्मू का क्षेत्र है उसमें ज्यादातर जो है वो मेजोरिटी हिंदुओं की है और कश्मीर का जहाँ तक मैटर है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ही ज्यादा है। अब हुआ ये कि जिस वक्त ये सब चीजें हुई और उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के जो शासक थे उन्होंने ये मामला यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र संघ में से ले गए और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये एक बात कमिट कर ली जो कि एक बहुत बड़ी गलती है कि हम जम्मू कश्मीर में जो है वो जनमत संग्रह कराएंगे और जनमत संग्रह अगर कराते हैं और उसमें जवाहर की जनता जिस तरफ भी निर्णय लेगी उसी तरफ इस कश्मीर को दे दिया जाएगा जो हिस्सा भारत के पास है। अभी तो इस वक्त यूनियन को कश्मीर का केवल एक तिहाई हिस्सा भारत के हिस्से में, एक तिहाई पाकिस्तान के पास है, एक तिहाई चीन के पास है, चीन ने भी कब्जा कर लिया 1962 में हमारे काफी बड़े क्षेत्र का हिस्सा ही चेंज हुआ।
तो उसको लेकर जो है कि जो करने में सारा जितनी भी जो समस्या है वो ये जरूरत संग्रह वाली, जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है संयुक्त किसान राष्ट्र में, एक बार भी हम वहां इसको कराने के पक्ष में हैं, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं कभी भी, क्योंकि हमारे जिस तरह से उस वक्त की सरकार ने इस बात के लिए कमेंट किया, उसके बाद में ये भी समझ में आ गया कि ये कराना जो है ये तो हमारे एक तरीके से सुसाइड करने जैसा होगा अगर हम जनरल संग्रह कराते, क्योंकि वहां की जनता जो है वो तो पाकिस्तान के पक्ष में ही जाएगी, तो जनरल संग्रह कर हमारे पक्ष में नहीं जाएगा, हम इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, और इसीलिए हमने फिर उसके बाद से कभी भी जनरल संग्रह की बात को उनकी नहीं माना, और पाकिस्तान आज भी इसी बात को दोहराता है कि सब संयुक्त राष्ट्र संघ में करके प्रस्ताव पारित हुआ है और भारत ने भी उसको उसमें जो है वो अपनी सहमति दी थी, तो वो जनरल संग्रह का है। अब कश्मीर को लेकर यही सारा रहा, तो इसलिए आज तक कश्मीर को लेकर अच्छा इधर हुआ क्या अभी तो कश्मीर में दरअसल जो है मेजोरिटी तो मुसलमानों की है, लेकिन वहां कश्मीरी पंडित भी रहते हैं, हिंदू भी थे बहुत सारे, और समस्या उनकी पंडितों वाले को आ गया है, तो वो एक बात की बात। लेकिन अभी समस्या क्या है कि कश्मीर में जिस समय भारत में उसका विलय हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात और मानी, जो जो विलय पत्र में कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए संविधान में एक प्रावधान किया गया, एक धारा 370 और 35A, ये दो जोड़ी गई संविधान में, संविधान बन रहा था उस वक्त भारत का तैयार हो रहा था, ये जोड़ी गई और उस वक्त कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य के दर्जे में यह था कि कश्मीर को जो है मैंने क्या नाम है वहां पर जो है वो प्रॉपर्टी जैसे है वो वहां कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं, तो अगर कोई बाहर का जाएगा वहां कश्मीर में जाके रहेगा भी तो वो कभी भी वहां पर प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, उसके नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद जा सकती। बहुत सारे इस तरह के प्रावधान थे जो कि उनके लिए कश्मीर के लिए दिए गए, उसमें वो धारा 370 में, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा था कि ये कुछ समय के लिए ये स्थायी नहीं है, इसको हटा लिया जाएगा समय के साथ साथ, लेकिन हटाया नहीं गया। तो कश्मीर को लेकर जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है एक तो जनरल संग्रह की मांग करता है, दूसरी बात जो है वो ये कहता है कि साहब अच्छा कश्मीर में क्योंकि वो अपने मंसूबे में अब तक कामयाब हो नहीं पाया, 75,000 से ज्यादा अब इस घटना इस बात पे हो गए, तो इसलिए पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन बहुत, और पाकिस्तान ने उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कैसे को किया जाए उन्होंने, और युद्ध भी किए पाकिस्तान ने भारत के साथ, 1965 में हमारा खुला युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान के साथ खुला युद्ध हुआ, और फिर 1999 में करगिल में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, लेकिन इन सभी युद्धों से पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि भारत से खुला युद्ध नहीं जीत सकते, ओपन वॉर में हम लोग वहां पर हम भारत के सामने अपनी जो है वो जीत हासिल नहीं कर सकते, अपना उसका उद्देश्य सीधा नहीं कर सकते, तो इसलिए अब उसका एक रास्ता उन्होंने निकाला आतंकवाद, आतंकवादी तैयार करो, जैसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, तो पाकिस्तान ने जो रास्ता अपनाया, और यही उनका सबसे बड़ी समस्या का आज वो समस्या है, उसका एक बहुत बड़ा कारण स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उन्होंने जो है वो अपना पूरा ध्यान, पाकिस्तान ने अपने पूरे रिसोर्सेज पूरा ध्यान इस बात पर लगाया कि किस तरीके से आतंकवादी तैयार किए जाएं, उन्हें भारत में भेजा जाए, उन्हें जिहाद के नाम पर लगाया जाए, उन्हें इस्लाम के नाम पर भड़काया जाए, और उससे जो है वो हिंसक गतिविधियां की जाए, हत्याएं कराई जाए, आग लूट आगजनी लूटपाट, ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान ने अपनी इस पॉलिसी का हिस्सा बना लिया, और इसके अपने लिए एक नाका सबा बना, पाकिस्तान जो है भारत और पाकिस्तान दोनों साथ साथ आजाद, जो समस्याएं हमारे साथ थी दरअसल पाकिस्तान को तो भारत की बहुत सारी उपजाऊ जमीन भी थी, जो डिवीजन हुआ उसमें हमारी जो उपजाऊ उपजाऊ भूमि थी जितनी हमारे देश में उसका लगभग जो है मैंने समझ लीजिए 20-25% जो है वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया, बल्कि उससे ज्यादा चला गया, तो वहां तो बल्कि खेती बाड़ी और उनके पास ज्यादा उनको जो है उनके पास साधन थे, हमारे पास जो बचा था वो उतना ज्यादा नहीं था, 35 करोड़ की उस भारत के पास पॉपुलेशन थी, लेकिन हमारे पास 35 करोड़ लोगों को भी चलाने के लिए हमारा उत्पादन पूर्ण नहीं था, क्योंकि तो हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं थी, हमारे पास हमारी जो है जितनी भूमि हमारे इस्तेमाल होती थी जो हमारे पास उपज थी वो हमारी पर्याप्त नहीं थी, तो हम लोगों को जो है वो शुरू में तो क्या नाम है अनाज तक आयात करना होगा,
ये हमारी स्थिति। तो हमें तो कुछ अगर लॉस हो पाकिस्तान को तो बहुत एडवांटेजियस पोजिशन है। फिर एक और बात थी कि जो नदियां हैं जो क्या नाम है पश्चिम का जो एक जैसे ये जो एक सिस्टम बनाती है उन नदियों को लेकर जो है वो उनका पानी को लेकर, क्योंकि ज्यादातर नदियां ऐसी हैं उसमें जैसे सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब है, इधर जो है सतलज है, ब्यास है, रावी है, तो ये नदियां जो है ज्यादातर निकलती तो भारत से है या तिब्बत से निकलती है, लेकिन ये जाती पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान का भारत ने जो है वो उनके बीच में फिर सिंधु जल समझौता भी हुआ 1960 में, और ये हुआ कि पानी का बंटवारा किया गया, जो पूर्व की नदियां थी राजीव रावी सतलज ब्यास ये तो भारत के हिस्से में आ गई, और बाकी तीन जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई, उसमें भी ये हुआ कि 20% पानी भारत के पाकिस्तान को देगा। तो उस इतनी उपजाऊ भूमि थी, इतना जो है वो उनके पास जो है वो उसके सिंचाई के साधन थे, प्राकृतिक साधन थे, नदियों का पानी आ रहा था, इतना भरपूर ये था। तो पाकिस्तान को तो थोड़ा खुशहाल होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है उसके प्राकृतिक साधन थे वो कहीं ज्यादा बेहतर थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि अपनी नीति ऐसी अपनाई। और एक और बात ये रही कि भारत ने जहां पर हमेशा आत्मनिर्भर स्वावलंबन हमारी जो लीडरशिप है आजादी के बाद अगर आप पूरा विश्लेषण करें तो हम लोगों ने वो इस तरह की जो है नीतियां बनाई उसके साथ पाकिस्तान में हमेशा उन्होंने जो है दूसरों पर निर्भर रहने वाले थे। पाकिस्तान ने इस्लाम का जो है गलत इस्तेमाल किया, कश्मीर ही नहीं बल्कि क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश इस्लामिक हैं, उसने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने भी गुमराह किया। 1 करोड़ से ज्यादा एक जमाना ऐसा था पाकिस्तानी जो है वो गल्फ कंट्रीज वो खाड़ी में थे, उनमें खाड़ी देश में वो तेल ऑयल रिच है, ऐसा उनके पास बहुत है, तो वो पाकिस्तानी लैंग्वेज के रूप में पाकिस्तानी कार्यकर्ता के रूप में वो लोग वहाँ काम करते थे, और उनसे जो रेमिटेंसेज आती थी जो कमाते थे जो पैसा वो यहाँ भेजते थे पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान कभी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं अपना मूलभूत आधार पर संरचना नहीं है, कभी इंडस्ट्री को उस तरह से विकसित नहीं किया जिस तरह से वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, फिर पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हमेशा इनको इम्पोर्ट कर दो, सोई से लेकर हवाई पानी का जहाज सब कुछ इम्पोर्ट करो, पास करो, आसान है तरीका होगा अपने आप क्यों मेहनत करें। तो इस तरह से पाकिस्तान ने जो अपना सारा का सारा ध्यान किस बात पर दिया, अपनी इकोनॉमी पे नहीं दिया, अपने ट्रेड इंडस्ट्री पे नहीं दिया, अपना जो है वो क्या नाम है साइंस टेक्नोलॉजी पे नहीं दिया, अपने जो है वो जैसे कहते हैं आप आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन जिसमें भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की की, वो उन सब चीजों की तरफ कभी गए ही नहीं, उस तरफ उन्होंने अपना ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा या तो आतंकवाद को बढ़ावा दो उस पर पूरा फोकस करो, आतंकवादी तैयार करो उन्हें भारत में भेजो, उन्हें जो है आईएसआई का समर्थन दो, दुनिया भर का जो है वो ग्रुप्स तैयार करो या बाहर से इम्पोर्ट करो चीजों। तो पाकिस्तान जो अच्छा कि और ध्यान किस बात पर दे रहे हैं, सेना आत्मनिर्भर उसका जो है आर्मामेंट के ऊपर बढ़िया से बढ़िया, अब वो भी जो हथियार है वो भी खुद नहीं बनाते, वो भी बाहर से बनाने तो उनको जो है खरीद के लिए। जब उन्हें थोड़ा सा ये एहसास हुआ 1974 में भारत ने जो है परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी उस समय भारत में प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद 1998 में जब भारत ने जो है वो विधिवत रूप से घोषणा कर दी परमाणु परीक्षण करके जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे कि हम परमाणु शक्ति बन गए हैं, तो पाकिस्तान जो है बबला उठा, और उसने जो है क्योंकि भारत से जो है उनको तो ये एक बड़ी भारी एक साइकोलॉजी है कि वो अपने आप को जो है भारत से कभी कम नहीं समझते, वो तो हमेशा वो बेहतर समझते। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो है वो एक सड़सठ में गुवाहाटी में जो अपने परमाणु कार्यक्रम जिस तरह चलाया और उनके जो वैज्ञानिक जो जो वैज्ञानिक जिसके अब्दुल कादर जैसे इसका नाम तो डेथ हो गई, तो वो पाकिस्तान को उनके ऊपर तो चोरी का आरोप लगा, नीदरलैंड से जो है वो टेक्नोलॉजी चुरा कर रहे हैं क्या नाम है वो वाली जिससे कि उन्होंने बाद में जो है उनका परमाणु कार्यक्रम चलाया। तो भारत ने जब जैसे ही परमाणु बनाया 1998 में तो पाकिस्तान ने भी जो है साहब हम जो है परमाणु उन्होंने भी जो है परमाणु बम बना लिया, तो ये उसे वो अपनी किसी को उपलब्धि मानते हैं कि साहब हम परमाणु शक्ति बन गए। अब परमाणु शक्ति एक और इत्तेफाक की बात यह है
कि जितने भी दुनिया में इस्लामिक देश है उनमें किसी के पास भी परमाणु बम नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को ये दिखाया कि वो पूरे न केवल ये परमाणु बम जो है वो पाकिस्तान का है बल्कि पूरे इस्लामिक दुनिया का, उनके वो लीडर बनने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि आप परमाणु बम बना लो, आप हाइड्रोजन बम बना लो, दुनिया के जो जो चाहे कर लो, लेकिन जब तक आपके अपना जो है वो क्या नाम है आधार वो है वो कमजोर है, तब तक आप जो है वो परमाणु बम ये सब चीजें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि जब आटा नहीं है, जब वहां पर जो है वो जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया, दुनिया भर की बेतहाशा गर महंगाई है, तो क्या परमाणु बम लोग खाएंगे वहां? क्या उसको दिखा के तो बने पाकिस्तान की जो है गलत नीतियां, पाकिस्तान का एक लंबे समय तक जो है वहां के नेतृत्व का जो है वो गलत नेतृत्व। और एक और बात भी है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। आर्मी वहां पर हैरानी की बात यह है कि न केवल वहां के जो है वो वहां की राजनीति में, वहां के मने क्या नाम है वहां का शासन में एक बहुत बड़ा दखल दाज रखती है। और कई बार इस इतिहास है इस बात का, कई ऐसे मौके आए कि वहां पर वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट किया गया और उसके बाद जो है वहां पर जो है वो आर्मी का शासन हुआ, तानाशाह बैठे। तो मुशर्रफ जो है वो एक जैसे अभी उनकी डेथ हुई है वो आखिरी उदाहरण है, इससे पहले जहिया खान, अयूब खान, टिक्का अपना, ये जाने कितने वहां पर जो है इस तरह के वहां पर केस हुए जब वहां पर सेना ने तख्ता पलट कर दिया और वो जो है शासन की सत्ता संभाल ली, ये हुआ। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो हर समय चाहे वो वहां पर कोई भी सरकार भी हो, लेकिन सेना की दखलंदाजी वहां की शासन में बहुत ज्यादा है। बहुत हैरानी की बात यह जो सैनिक अधिकारी बन जाते हैं, बड़े 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 बन जाते हैं, न जाने कितनी जमीनें अपने नाम करा दी, न जाने कितनी संपत्ति अपने नाम करा दी, गलत सही ढंग से सेना जो है व्यापार करती है। ये आप तो सोचकर हैरान होंगे, आप यहाँ पे भारत में तो हमको बड़ी अटपटी बात लगेगी, लेकिन वहां पर जो है जो सिनेमा हॉल है मॉल है ये आर्मी के लोग चला, उनका बिल्कुल धंधा है। अब भैया हमारे काम जो है वो जाने में सीमा पर जाकर सुरक्षा करना है, ये जो है सिनेमा हॉल को चलवाना, लेकिन वो चला रहे हैं और उसका खा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल। तो पाकिस्तान में जिस तरह से आर्मी का वहां के जनजीवन में डेली लाइफ में जिस तरीके से इंटरफेरेंस हुआ, जिस तरीके से उनका रोल बढ़ा, उससे करप्शन बहुत है और वो आर्मी के लोग ही को करप्ट हो गए, बहुत सारा चीजें आई। तो फिर एक और बात ये, वहाँ जो अमीर तबका है एक तरफ तो वो उतना अमीर है उनके पास वो सुपर रिच है, और दूसरे तरफ जो गरीब तबका है वो और गरीब होना चला जाए, जिस तरीके से वहां बेरोजगारी फैल रही है, जिस गलत नीतियां, अब जिससे जैसे क्या नाम है पाकिस्तान में उन्होंने वहां के शासकों ने जो है वो केवल अपनी एक जिसे कहते हैं कि एक झूठी शान की वजह से, और जिस तरीके से भारत के साथ उन्होंने किया, अब मैं व्यापार बंद कर दिया। अब जब व्यापार बंद कर दिया तो पहले तो व्यापार तब भी होता था, चीजें आती जाती, बहुत सी चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान में नहीं होती लेकिन भारत में होती। भारत के पान, वहां के लोग पान बहुत खाते हैं लेकिन पैदा वहां बिल्कुल नहीं होती, वो ज्यादातर पान भारत से ज्यादा। तो नेचुरली भाई जब आप व्यापार बंद करोगे तो सब चीजें बंद हो जाएंगी। अब टमाटर हमारे यहाँ जो है वो हम तो जो है वो हमारे यहाँ खूब पैदा होता है लेकिन उनके यहाँ कम होता, वहां पर नहीं है उतना, लेकिन खपत वहां भी ज्यादा है, डिमांड है, तो नेचुरली चीजों के दाम बढ़ गए। कपास पाकिस्तान भारत से बहुत आयात करता था, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनकी जो कहना है वस्त्र उद्योग है, वो सारा ज्यादातर भारत के कपास के ऊपर ही निर्भर करता था, वो बंद कर दिए। तो वहां के लीडरशिप जो डिसीजन लिए वो आत्मघाती थे, उनके पैरों पर घड़े मारने वाले थे। अब वस्त्र उद्योग न केवल वस्त्र उद्योग बंद हुआ बल्कि लोग बेरोजगार हो गए, लाखों की संख्या में वहां पर जो लोग कार्य करना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जुड़े थे वो बेकार, बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई अनाप शनाप हो रही है। और ये सब चीजें जो है धीरे धीरे करके वहां पर सबसे बड़ी बात समस्या क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार है, खत्म होता चला जा रहा है। कभी खबर आती है 2 हफ्ते के लिए बचाए बस केवल पैसा, कभी खबर आती है 1 हफ्ते के लिए बचाए पैसा, कभी आता है कि साहब बहुत जरूरी चीजें केवल आयात कर सकते, विदेशी मुद्रा है नहीं। अच्छा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, पाकिस्तान का रुपया बहुत कमजोर है भारत से भी, भारत के 3 रुपए, भारत का 1 रुपया उनके 3 रुपए के बराबर,
एक्सचेंज की अलग करते हैं, तो उनकी उसकी न्यूक्लियर हथियार बहुत ज्यादा कमजोर है। अब ऐसे में पाकिस्तान जो है उसका जिस तरीके से उन्होंने अपना जो है वो कर रखा है, उन सबका हर्ष ये होना ही जिस जो जितने, और ये एक दो दिन का परिणाम नहीं है, एक दो सरकारों की नीतियों का परिणाम नहीं है, ये बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा है ये उसका परिणाम है कि आज उनकी इकोनॉमी फेल हो रही है। आज वो देश जो है वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। आज वो देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर कि वो अब अपने जो है वो जो जो उसकी कमिटमेंट्स एंड देनदारियां उनको भी नहीं चुका सकते। वहां की जनता बहुत भूखों मर रही है, वहां आटे के लिए जंग हो रही है, जो मूल बेसिक चीजें हैं वो नहीं, रोटी नसीब नहीं लोगों, इतना बुरा हाल हो रहा है पाकिस्तान, जिस सच्चाई से वो अभी भी अपना मुंह मोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे साथी थे जैसे चीन के साथ पाकिस्तान ने खूब बड़ा फायदा उठाया चीन से, इस जमाने में चाइना भारत के तो भारत की भी चीन से दुश्मनी और पाकिस्तान की भी चीन से दुश्मनी, तो चीन और पाकिस्तान दोस्त हो गए। पाकिस्तान ने उनको उनको जो है कंसेशन भी, एक ऐसा इलाका कश्मीर में है गुंजा का इलाका जहाँ जो पाकिस्तान ने भारत से चीन लिया था कुछ समय जब ये कहना है कश्मीर में ये सारा काम कांड हो रहा था 1947-48, वो उसने पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, इंडिया का इलाका पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट, ऐसा भी किया जाए चाइना के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जो है प्रोजेक्ट 60 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने साइन किया, जो 3000 मील लंबी। तो चाइना के साथ एक दिक्कत क्या है, चाइना बहुत बड़ा कंट्री, लेकिन चाइना के पास वार्म वाटर पोर्ट यानी गर्म पानी के बंदरगाह, ऐसे बंदरगाह जो साल भर खुले रहे, जो ज्यादातर जो चाइना के पास बंदरगाह है उस तरफ क्या नाम है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, वो ऐसे जहाँ पर सर्दियों में वो जम जाती है, तो वो काम नहीं वहां पर जो है वो उसको वहां से आवागमन नहीं सब, तो उनकी हमेशा से बहुत पुरानी चाइना की पॉलिसी है सिंकिंग द वार्म वाटर पोर्ट, किस तरीके से जो है वो हिंद महासागर में आके गर्म पानी के बंदरगाह हासिल कर। तो एक बंदरगाह है ग्वादार का बंदरगाह चाहे पाकिस्तान में खरीदा था पाकिस्तान ने ओमान से एक जमाने में, वो तो उस बंदरगाह को जो है चाइना को दे दिया, एक तरीके से संदर कर दिया पाकिस्तान, एक सेपेक जिसके ऊपर चाइना ने एक 3000 मील लंबी एक सड़क बना रहा थी ग्वादार के पोर्ट तक, चाइना से चीन का माल जो है वो ग्वादार के पोर्ट तक पहुंच जाए, तो वो जो सेपेक चल रहा है 60 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है उसमें 40 अरब डॉलर लगभग अब तक वो लोग इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, काफी कुछ वही बना रहे करना है पाकिस्तान, तो उसका जो है बेनिफिट ही ले रहा है। अब समस्या क्या है कि वो जो सिपेक है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके से निकला, बलूचिस्तान में समस्या क्या है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहिए, जो बलोच लोग हैं उन्होंने एक बलोच लिबरेशन आर्मी बना के लिए बना रखे, वो लोग जो है पर अटैक करके जाने से उनकी पूरी की पूरी बस उड़ा दी, उनके जो है वो कई लोगों को मार दिए, तो चाइनीज को हमेशा ये डर लगा रहता है कि भाई हम जो है ये प्रोजेक्ट को चला रहे हैं लेकिन ये हल कब हमारे लिए मुसीबत बन जाए, ये लोग उन्हें कब यहाँ पर कब्जा करके बैठ जाए, तो चाइना जो है असमंजस में और पाकिस्तान जो है वो अब उसने हाथ खड़े कर दिए कि हम सिक्योरिटी भी दे सकते हैं चाइनीज में, जो चाइनीज इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको हम सिक्योरिटी भी प्रदान नहीं कर सकते, सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर सकते, ये हालत। तो चाइना को जो है वो अपने अनुभव से अभी वाली समझ में आ रही है कि पाकिस्तान से हाथ तो मिला लिया, पाकिस्तान से जो है वो क्या नाम है कंसेशन को ले लिया, उनका फायदा तो उठा लिया, लेकिन उसे जो है बनाए रखना बड़ा मुश्किल, तो चाइना ने भी हाथ खींच लिया। अब पाकिस्तान जब चाइना से जो है इस समय जब क्योंकि बहुत बुरी हालत में है, जब पाकिस्तान ने चाइना से डिमांड करी तो उन्होंने कहा पहले पहले पैसा जो हमने दिया वो लौटा, आगे की बात बाद में करो पाकिस्तान को चाइना से, तो ये दो लोग जवाब मिल गया हर कदम हो। इधर जो सऊदी अरेबिया में गए मांगने के लिए, बहुत दिया है जब सऊदी अरेबिया को, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने नसीहत और दे दी कि इंडिया के साथ संबंध अपने सुधार लो, कश्मीर भूल जाओ, अपनी जो है इकोनॉमी को ठीक से करो, तभी जो है वो कुछ हो सकता, लेकिन वो तैयार नहीं। इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है वहां गए, वहां पर जो है उन्होंने कमिट भी कर दिया, लेकिन वहां जो है उन्होंने भी
आज हार गई। तो पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े सहयोगी थे, जो बहुत बड़े बड़े जो है वो कहना, मैं उसको लगता था कि ये हमारे साथ देंगे, वो अभी एक वजीयत जो है तुर्की में हुई, तुर्की में जो है भूकंप आया, मैं अभी इस चीज को बात करूंगा। और उस भूकंप में जो है वो तुर्की एक ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान का आंख बंद करके समर्थन किया है आज तक कश्मीर के मसले, हमेशा दुनिया के हर मंच के समर्थन किया। तो हमेशा ही पाकिस्तान ये मान के चलता था कि तुर्की तो हमारा ही है। अब वहां जब भूकंप आया, तो भूकंप आने के बाद जो हमारा 6 तारीख को भूकंप आया अभी, तो उसमें जो है वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता देखी है कि उन्होंने फट से जैसे आया उन्होंने कहा कि भाई हम तो तुर्की की मदद करें, और एक ऑपरेशन दोस्त के नाम से उन्होंने वहां शुरू कर दिया। उन्होंने मदद बहुत बड़े पैमाने पर भेज दी, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर जो क्या नाम है रिलीफ फंड है, तो उनको भेज दिया फोर्स को, और हमारे सैनिक भी गए, हमारे जो है वो बहुत सारे चिकित्सा अधिकारी भी गए वहां मदद कर रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं भाई। हॉस्पिटल उन्होंने जो है वहां क्रिएट कर लिया, आर्टिफिशियल सॉरी टेम्पररी हॉस्पिटल्स बना लिए वहां पर, लोग मदद कर रहे हैं। तो ये चीज जो है टर्की ने देखा कि यार जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो हमारी मदद किसने की, भारत ने, जिस भारत का हमने सारी जिंदगी विरोध किया कश्मीर को लेकर। और पाकिस्तान जो है आज स्थिति है फिलहाल स्थिति में है कि वो अगर चाहे भी तो मदद नहीं कर सकते, अपनी मदद पहले कर ले, बाकी दूसरों की मदद तो बाद में करेगा। तो वहां के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, अपने विदेश मंत्री के साथ उन्होंने अगले दिन ही घोषणा कर दी, उन्होंने मदद नहीं भेजी, ये घोषणा कर दी कि हम आ रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री जो है तुर्की जाने लगे, जो वहां जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ना मतलब कितनी बेइज्जती की, वो हवाई जहाज में बैठ गए और वहां से उन्होंने खबर करी यहाँ बताइए, हम लोग इस समय जो है वो दूसरे काम में लगे हुए हैं, हमारे यहाँ बचाव कार्य चल रहा है, हम किसी का जो है वो यहाँ पर स्वागत नहीं कर सकते। तो इस तरह से उनको जो है जहाज में से उतर के वापस आना पड़ा। फिर बाद में उन्होंने एक हवाई जहाज बन के जो है वो भी दिखाने के लिए तुर्की भेजा, तुर्की के जो क्या नाम है जो वहां पर उनका जो भारत क्या नाम पाकिस्तान में एम्बेसडर है उसके पास प्रधानमंत्री पहुंच गए एम्बेसी शोक प्रकट, कल मालूम पड़ा कि वो फिर बिना बताए फिर वापस चले गए कश्मीर वहां पर तुर्की पहुंच। लेकिन सवाल ये इन सब करने से होता क्या है, असली बात तो ये है कि आप वहां पर कितना काम करते, लोगों को मदद कितनी करते, केवल शब्दों से कहने से या आंसू बहाने से थोड़ी कुछ होते। तो ये जो पाकिस्तान की पॉलिसीज है ये फेल होती है जगह हर जगह पर फेल। पाकिस्तान ने जो है वो सोवियत यूनियन रशिया के साथ अपना जो है वहां पर जो है वो कहते हैं जिस समय यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी उससे पहले ये वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान वहां गए थे पाकिस्तान मॉस्को, और वहां पर उन्होंने जो है वो दिल से मुलाकात भी की थी, और वहां पर लेकिन वहां से जैसे लौट के आए और उसके बाद जैसे लड़ाई शुरू हुई तो उसमें जो है यूक्रेन की मदद करने लगे। जब यूक्रेन की तो मदद करोगे तो भैया रशिया आपका साथ क्यों देगा, आप ये बताओ आप क्यों देना, फिर आप उनसे फिर आप उनसे उम्मीद करो। लेकिन ना तो अब यूक्रेन और अमेरिका जिसकी मदद कर रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका उससे कुछ मिल रहा है, इधर रशिया नाराज हो गई। अब भारत ने तो तेल लेना शुरू कर दिया रशिया से सस्ता, क्योंकि तो भारत ने भारत रशिया के साथ खड़ा है, और रशिया को भी ये समझ में आ गया कि भाई हमारे संयुक्त राष्ट्र में हमने कई जगह उनका बचाव बचाव किया और बहुत जमकर किया, जबकि भारत अमेरिका के साथ भी है। अब भारत तो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी स्वतंत्र नीति अपना सकता, क्योंकि भारत जो है वो आज एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत, आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हमने ब्रिटेन को भी छोड़ दिया पिछले साल, हम 5वें नंबर पर, बहुत जल्दी हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं 3री अर्थव्यवस्था बन गई, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के 25वें नंबर नहीं हम, तो जहां पर हम क्योंकि तो बड़ी अर्थव्यवस्था तो हमें लोग सुनते भी है। आज हमारी जो है वो हमारी अगर साख है हमारी बात अगर कोई मानता है, देखिए आज दुनिया में हमेशा जो है वो ताकत की पूजा होती है। आप कितनी शांति की बात कर लो कितनी सत्यता की बात कर लो, लेकिन जब तक आपके अपने अंदर कोई ताकत नहीं है अपनी अपना वजूद नहीं है आपको कौन सुनेगा। तो इसलिए ये चीज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी दिखाई दे रही है। अब भारत जो है वो तो स्वतंत्र नीति का अनुसरण कर सकता है, वो अमेरिका के साथ भी हाथ मिला सकता है, वो रशिया के साथ भी मिला सकता है, या अब भारत में आज हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम रशिया से बहुत सस्ता तेल ले रहे हैं, जो दुनिया का रेट है उससे काफी कंसेशन पर रशिया तेल दे रहा है। जो रशिया आज से
साल भर पहले केवल 2 या 3% हमारे टोटल हमारा जो हम इम्पोर्ट था तेल का उससे करते थे, रशिया से करते थे, आज 28% तेल हमारा जो है वो रशिया से है। तो हमें सस्ता तेल मिल रहा है, नेचुरली हम अपने पब्लिक को भी सस्ता दे पा रहे। कहाँ पाकिस्तान में 300 रुपए के आसपास पहुंच गया, 300 रुपए तेल का दाम, हम 100 रुपए भी हम लोग अभी जो है नीचे बने बने हुए हैं। तो ये चीजें जो है ये बहुत मायने रखती हैं और इन चीजों का बहुत असर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज पाकिस्तान को जो है अगर इस बात और वहां की सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की पब्लिक से अगर पूछा जाए तो पब्लिक भी ये कहती है कि इंडिया के साथ में संबंध सुधार लो, बड़ा भाई ही होता है भैया, वो बड़ा है तो आप जो है मान जाओ कि भारत आपसे बड़ा है। बड़ा तो है, बड़ा मानने में नुकसान क्या है, पड़ोस अच्छे पड़ोसियों जैसे से रहो, क्या दिक्कत क्या है। लेकिन वहां के नेताओं के समझ में नहीं आता। अब भी वो जो है कश्मीर के रात मतलब आलाउद्दीन, अब भी वो कहते हैं कि धारा 370 को वापस करो, आप जो है आपने जो किया उसे वापस जो है लागू करो। मतलब भाई तुम्हारे से क्या मतलब धारा 370, हमारा अंदरूनी मामला है, आप कौन होते बोलने वाले, हम कुछ भी करें वहां पर। लेकिन नहीं, जम्मू कश्मीर में स्थिति ये है, आज कश्मीर को जिस तरीके से राज्य से उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उस ढंग से वहां पर व्यवस्था लागू की गई है, कश्मीर में आतंकवाद पहले की तुलना में, एक साल की तुलना में काफी कम हो गए। जो बच्चे पत्थर मारा करते थे वो सब खत्म हो गए, हर समय जो है जिस तरह की जो घटनाएं थी, जो एक माहौल था वो खत्म हो गया। लोग बात जो है वो पढ़ाई लिखाई की तरफ है, खेल कूद की तरफ है, अब जो है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ज्यादा हो गई। तो कश्मीर में समस्या किसको है, वो इज द प्रॉब्लम, नॉट द इंडियंस, नॉट द पीपल देयर। आपने कश्मीरी पंडितों की बात करी, तो कश्मीर में एक जमाना था 1990 के आसपास के समय में जिस समय आतंकवाद चरम पर था और जिस वक्त हमारी सरकारें जो है भारत समेत हमारी सरकारों की भी कमी है, हमारी सरकारें जो है वो कोई क्या नाम है कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती थी और बहुत ही क्या नाम है आतंकवादियों के सामने एक तरह से जो है वो सरेंडर कर दिया करती थी, कि उस समय की बात है। तो उन्होंने वहां पर कश्मीर में जो है वो आतंकवादियों ने जो है वहां पर कश्मीरी पंडितों को के खिलाफ एक्शन वो करता है, मुहिम चलाई और वहां पर जो है पोस्टर लगा दिए कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं जाओ तो मार दिए जाओ। अब यही हुआ, उसने चले गए डर के मारे और जब उन्होंने वहां पर जो है वो जो तांडव मचाया जिस तरीके से वहां पर नरसंहार किया गया पंडितों का, वो भी बहुत ही दुखद घटना हुआ और बहुत सारे लोग वहां से भागकर मिजान में जाकर यहाँ आए, आज भी अपने ही देश में शरणार्थ। ऐसा कभी आप कि आज भी अपने देश में अपना ही घर छोड़ के वापस कहीं दूसरी जगह चला जाए शरणार्थी बन गए, शरणार्थी दूसरे देश के तो होते हैं लेकिन अपने देश के वाली भारत नहीं। तो ये इस तरह की चीजें बड़ी दुखद हुई और ये सब चीजों से हमने जो है अगर कुछ सबक ले सकते हैं और बहुत अच्छा ये है कि आज एक बड़े पॉजिटिव माहौल है। आज भारत जो है जहाँ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी डावाडोल हो रही है कि वहां पर अगले हफ्ते का पता नहीं, 15 दिन बाद का पता नहीं कि क्या होगा, और ऐसी स्थिति में हम जो है हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, दुनिया की 5 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में है, आज हम जो है वो सॉलिड ग्राउंड पर है। आज हम जो है वो अपनी जरूरत का है अनाज ही केवल अपना अदा नहीं करते, कहाँ 35 करोड़ पॉपुलेशन जिस आजाद हो, कहाँ 140 करोड़ पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़कर जिस देश में, आज हम 140 करोड़ का पेट भी भर रहे हैं और हम जो है वो दुनिया को निर्यात भी कर रहे हैं। आज स्थिति है अंदर जो है विदेशों में भी जा रहे, हमने जो है वो अभी क्या नाम है जो स्थिति पाकिस्तान की है लगभग वही स्थिति या थोड़ा बहुत कम जो है वो इजिप्ट की भी। इजिप्ट में क्योंकि तो यूक्रेन जो है वो जहाँ युद्ध चल रहा है सारा से वो बहुत बड़े पैमाने पर गेहूँ पैदा था और वहां से जहाँ जहाँ गर्म सप्लाई होता था वो सप्लाई रुक गई, जब सप्लाई चल रही है तो कहाँ से वहाँ गेहूँ आएगा। तो जहाँ जहाँ पर ये सप्लाई रुकी वहां पर दिक्कत आई, तो वहां पर इंडिया ने काफी कई लोगों की मदद की और यही चीज जो है वहां पर क्या नाम है इसमें इजिप्ट में हुई मिस्र में, वहां जो है वो डबल रोटी के भी लाले पड़ गए लोगों के लिए और भी कई समस्याओं के साथ आई। इजिप्ट की मदद भारत ने कर दी, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को हमने जो है 26 जनवरी को अपने जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बुलाया था, वो हमारे चीफ गेस्ट, हमने वहां पर उनको गेहूं की मदद की है।
और हमने जो है उनके साथ और भी चीजें भी मदद की है। इससे पहले पिछले साल श्रीलंका में भी यही आपका जो पाकिस्तान में आग एक साल पहले श्रीलंका में हो चुका हो, उनकी इकोनॉमी भी फेल हो चुकी है, वहां भी चाइना ने जो है बर्बाद कर दिया था, वहां पाकिस्तान का भी फेल नहीं था लेकिन चाइना का, चाइना ने जो है ना उत्तर बंदरगाह पे कब्जा कर दिया था। हाँ जी हाँ जी बटोटा, तो जिस तरह से चाइना ने जो है उसको बर्बाद किया और जिस तरह से उसकी इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर गई, वहां की हालत भी बहुत खराब थी, वहां के लोग जो है राष्ट्रपति वहां से भाग गए देश छोड़ के, और वहां जो है लोगों ने वहां के राष्ट्रपति के जो है वो महल पे कब्जा कर लिया, ऐसे हाल हुआ। तो याद करिए लेकिन वहां मदद किसने की, आज श्रीलंका की स्थिति पहले पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर है, किसने की, इंडिया ने, केवल इंडिया ने मदद की, भारत ने मदद की, पैसे से भी सामान से भी हर तरीके से मदद की और आज जो है श्रीलंका पर। लेकिन ये चीज पाकिस्तान के साथ नहीं होती क्योंकि इंडिया भारत वापस पाकिस्तान के साथ नहीं आया, भारत को तो वो दुश्मन मानते हैं, हम क्यों जाएंगे, हम क्यों मदद करेंगे, हम तमाशा ही देखेंगे। तो ये पाकिस्तान के साथ जो है स्थिति इतनी खराब है, इतनी सारी चीजें हैं, कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में है और कुछ भी हो सकता है, जो हालात है उसमें पाकिस्तान टूट भी सकता है वहां भी, लेकिन एक भय भी है कि अगर ये सरकार बनती है, ये व्यवस्था खत्म होती है तो वहां पर उग्रवादी चरमपंथी आतंकवादी वही वहां पर कब्जा करेंगे और पाकिस्तान भारत को ये कहता है कि भाई अगर ये लोग आ गए जैसे तहरीके एक वहां पर टीटीपी है तो वो लोग जो है वो तालिबान अफगानिस्तान के तालिबानियों से वो जो है वो अपनी मदद लेते हैं, अगर वो आ भी गए वो आने के बाद वो भारत के लिए भी समस्या हो सकते हैं कल, तो ऐसा नहीं है कि हम में कोई फायदा हो रहा है वहां की सरकार के जाने से, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, पाकिस्तान तीन या चार वहां बढ़ जाए, क्योंकि सिंध अलग चाहता है स्वतंत्रता, बलूचिस्तान अलग चाहता है स्वतंत्रता, पंजाब अलग चाहता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता, और जो वहां के क्या नाम है उत्तर पश्चिम का इलाका है उनका फ्रंटियर का इलाका है वो अलग चाहते हैं, वहाँ कबाइली है, वो किसी के नियम मानते ही, तो पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ा सबक भी है कि जिस नीति को आपने अपनाया है उसके परिणाम क्या होगी कि आपके सामने आ। एक कहावत है कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, आपने अगर बबूल का पेड़ बो दिया है तो उसमें आम की उम्मीद मत करना, तो कांटे लगेंगे और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आज पाकिस्तान की स्थिति दिन पे दिन डेली बेसिस पर आप अगर उससे आप मॉनिटर करोगे तो दिन पे दिन खराब होती जा रही, कोई भी चीज वहां अच्छी नहीं हो रही और वहां की आम जनता जो है वो बुरी तरीके से फंस, उसे मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं हो पाती, बहुत दुर्भाग्य की बात। तो जो लोग ये एडवोकेट करते हैं, जो ये कहते हैं कश्मीर को पाकिस्तान में भेजना चाहिए, उन लोगों को भी हमें समझना चाहिए कि जिस पाकिस्तान को आप स्वर्ग समझते हो वो तो नर्क से भी बुरा है, वहां बैठे जो है वो तुम्हारे क्या भविष्य होगा कभी सोचो इस बात की, वहां पाकिस्तान के साथ जाए। आज हालत ये है कि जो इलाका जिसे हम अधिकृत कश्मीर कहते हैं, कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान ने जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है और जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां के लोग क्या रहे, वो लोग कितने परेशान, वहां जो जो लोग रह रहे हैं वो कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में जाना है, हमारा रास्ता हिंदुस्तान के साथ खोल, बोले कम से कम हमारी हमारा पेट तो भरे, यहाँ तो भूखों मर रहे हैं, तुम क्या दे रहे हो। तो स्थिति इतनी खराब, चीजें इतनी खराब हो गई, तो कुल मिला के बाकी है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही अंधकार का भविष्य जिसका है, और एक सबक भी है कि जिन नीतियों का आपने अनुसरण किया है आज उनकी के परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, सब समय रहते सुधर जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज पाकिस्तान बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजरा, आज आर्थिक संकट संकट ये नहीं है
बल्कि उनके लिए मनोवैज्ञानिक संकट भी है। कोई भी एजेंसी या कोई भी देश किसकी मदद तब करता है जब से मालूम कुछ का पैसा वापस आ जाए। कोई पूर्व में थोड़ी पैसा फेंकेगा जिसे मालूम हो कि कल को आएगा तो फिर कुछ भी यहाँ से, तो वो ये देखते हैं कि आपकी जो है पे कैपेसिटी कितनी है, आप रिपे कितना कर सकते हो। बैंक भी अगर आप लोन लेते हो तो बैंक ये देखता है कि आप जो है उसको पैसे को वापस कर सकते हो कि नहीं। आपसे कुछ चीजें जो है वो गिरवी रखवाता है, कुछ चीजें वो अपने पास देखता है, या फिर जो है वो जैसे आप गारंटी चाहिए, या आप जो है अगर जमीन का अगेंस्ट में ले रहे हैं, कोई हाउसिंग लोन ले रहे हैं, तो आप जमीन के कागज अपनी बात रख लेना। तो हर चीज, हर आदमी जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या नाम संजीत होकर चलता है कि नहीं देने वाला। पाकिस्तान का दृष्टि बहुत खराब हो रही है, और कहने का मतलब यही है कि इन सब चीजों से जो है वो हम लोग आप बहुत सुखद स्थिति में हो। आज एक भारतीय, एक आम भारतीय जिस तरह का जो जीवन जी रहा है, जो सम्मान की जिंदगी में जो चीजें उसे मुहैया है जिंदगी में नसीब है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप उसे समझे या ना समझे, लेकिन कम से कम आप एक क्या नाम है स्वतंत्र माहौल में सांस ले रहे हैं, आपको आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है, आपके रोटी कपड़ा मकान जैसी समस्या आपके लिए जो है कोई विकराल समस्या नहीं जैसे पाकिस्तानी झेलना पड़ रहा है। तो आप जरा कंपैरिजन करें कि आप कहाँ हैं वो कहाँ है, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और यही हमारे लिए नेतृत्व का भी फर्क है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप हमें कैसी बनती है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। वो कितनी ईमानदार है, कितना उनके अंदर जो है वो विजन है, कितना उनका जो है वो सोच है, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ काफ़ी है, है ना। और अभी थोड़ी देर हम जाते हैं, इसको वेट करो, तो मैं आपको दूसरा एक और टॉपिक दूंगा, ठीक है। बंद कर दो।